तो कैसे हो सिविल इंजीनियर्स? आई होप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, स्ट्रेस फ्री लाइफ चल रही होगी। तो एक फोकस रखना अपना, जॉब पे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, बस प्रिपेयर करो, आगे जरूर बढ़ोगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, इंटरव्यू क्वेश्चन पे वीडियो है हमारा, पार्ट 4 है। तो आप जिन लोगों ने पुराने पार्ट नहीं देखे हैं वो देखो, काफ़ी अच्छे पार्ट हैं। जो लास्ट वीडियो आई थी रेलवे पे वो भी अच्छी, आपने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया, और दूसरा जो हमारा जॉब लिंक था वो भी आपने अच्छा, उसमें भी रिस्पॉन्स भी है, क्योंकि जो सीनियर विली इंजीनियर की जॉब निकली थी PSP में, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, तो काफ़ी लोग जो हैं इस चैनल से जुड़े हैं वो अभी फ्रेशर्स हैं। तो आज इंटरव्यू की बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट 4। तो आज बेसिक क्वेश्चन सोचा था कि बेसिक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इनिशियल सेटिंग टाइम शैल नॉट बी लेस देन 30 मिनट। जो भी एक सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक चीज। दूसरा, उसका जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो 10 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी है। आगे बढ़ते हैं, जब भी कंक्रीट टेस्ट होता है, क्यूब टेस्ट हो गया या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, कुछ भी बोलते हैं साइड पे, तो उसमें मिनिमम 6 क्यूब आपको भरने हैं। कोई भी कंक्रीट आता है, TM आता है, या कोई भी कंक्रीट बनाते हो, 1 M³, 2 M³, उसमें मिनिमम आपको 6 क्यूब भरने होते हैं, बाकी क्वान्टिटी पर डिपेंड होता है। 6 क्यूब में 150 बाई 150 mm का जो हमारा क्यूब रहता है, जहाँ सिलेंड्रिकल शेप का भी आता है, तो 3 क्यूब जो हमें टेस्ट करने होते हैं वो 7 दिन पर करने होते हैं, और बाकी 3 करने होते हैं हमें 28 दिन पे, ठीक है, क्लियर। और उसका जो भी रिज़ल्ट आता है उसी पे हमारा बेस होता है कि जो आपने कंक्रीट यूज़ किया वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, बेसिक क्वेश्चन है आज, मैं जैसे आपको बताया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, वाटर सीमेंट रेशियो फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट शल नॉट एक्सीड 0.45 फॉर M20 एंड अबव। मतलब जो भी कंक्रीट होगा M20 या उससे ऊपर, उसमें सीमेंट जो वाटर रेशियो आपको 0.50 से ज़्यादा नहीं करनी है। एक शर्त होगी, ज़्यादा किया तो क्या होगा, वर्केबिलिटी तो अच्छी हो जाएगी लेकिन उसमें क्रैक्स का डर हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ता है, ज़्यादा पानी से ब्लीडिंग हो सकती है, या कोई मटीरियल नहीं रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 0.50 फॉर M10 एंड M15। मतलब आपको जो भी M20 कंक्रीट होगा या उससे ऊपर होगा उसको आपको कितनी रेशियो रखनी है, 0.45, और जो M10 और 15 उसमें 0.50। और इसमें जो भी टेस्ट होते हैं वो पहले कर लेने हैं, फिर उसके बाद ही आपको अप्रूव करना है, ये एक मतलब हो गया सुपरविजन का। नेक्स्ट है जो पोरिंग ऑफ कंक्रीट, नो कंक्रीटिंग ऑपरेशन शैल बी कैरिड आउट ड्यूरिंग इंक्लीमेंट वेदर कंडीशन। लाइक जब भी ज़्यादा बारिश पड़ रही हो, हवा चल रही हो, या हाई विंड हो, या ज़्यादा धूप हो, 40 से ऊपर टेम्परेचर हो, कभी भी तब कंक्रीट नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी इफेक्ट पड़ता है कंक्रीट पे। एक तो उसकी स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना ही रखना है। जो भी रीइंफोर्समेंट, जो भी सरिया आप यूज़ करोगे साइड पे, स्लैब में, कॉलम में, बीम में, वो देखो फ्री फ्रॉम मिल स्केल्स, लूज ट्रस्ट, कोड ऑफ पेंट ऑयल, मतलब कुछ भी उस पर लगा नहीं होना चाहिए। पेंट ज़्यादातर क्या होता है, जब भी मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, एक जब भी स्लैब होती है तो उसमें शटरिंग होने के बाद ऑयल लगता है, शटरिंग ऑयल लगाया जाता है कि अच्छे से कंक्रीट प्लेट को चिपके नहीं, अलग रहे, प्लेट अच्छे से निकल जाए। तो उसी दौरान क्या होता है, सरिए पे काफ़ी ज़्यादा शटरिंग ऑयल लग जाता है, ये काफ़ी ख़राब प्रैक्टिस की जाती है साइड पे, जो हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। उससे क्या होगा, एक अच्छी बॉन्ड नहीं बनती है कंक्रीट और स्टील में, तो जो रिब्स होती हैं वो एक मतलब वॉइड क्रिएट करके रखती हैं और वो ख़राब होती हैं। उससे क्या होता है, क्रैक, जो माइक्रो क्रैक्स होते हैं वो होने के चांसेस रहते हैं। तो हमेशा ध्यान देना है आपको जब भी आप साइड पे काम करवाओ। आगे बढ़ते हैं, बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर कवर ब्लॉक्स, स्पेसर, शेयर्स, एक्स्ट्रा आर रीइंफोर्समेंट शैल बी प्लेस्ड एंड मेंटेन इन पोजीशन एज शोन इन स्ट्रक्चर ड्राइंग। मतलब जो भी स्ट्रक्चर ड्राइंग में दिखाया रहता है, जैसे कि आपका ये सरिया यहाँ और इतने का कवर आपको प्रोवाइड करना है, ये सब चीज़ें आपको एज ए सिविल इंजीनियर देखनी है जब भी आप काम करो। आगे बढ़ते हैं, सीमेंट शैल बी 43 ग्रेड OPC कंफर्मिंग टू IS 812 और 53 ग्रेड ऑर्डिनरी सीमेंट कंफर्मिंग टू IS 12269/197। जो भी आप 43 सीमेंट ग्रेड सीमेंट यूज़ करोगे, देखो ग्रेड कितने होते हैं सीमेंट के, 3 ग्रेड बेसिकली देखे जाते हैं, एक हो गया 33, 43, 53। 33 ग्रेड अभी आ रहा नहीं है, उसकी जगह PPC ने ले ली है, पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट ने ले ली है,
लेकिन अभी 43 और 53 ग्रेड यूज़ किया जा रहा है। ये कहते हैं कि जो भी आप 43 ग्रेड यूज़ करोगे तो वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, IS 8112, और जो हम OPC 53 करेंगे वो किसके होने चाहिए, IS 12269 के। और जो हमारा PPC सीमेंट है, अगर प्लास्टर की बात करें, सबसे अच्छा सीमेंट है अगर हम प्लास्टर में PPC सीमेंट यूज़ करते हैं तो आपको दीवारों पे जो क्रैक्स होते हैं वो देखने को कम मिलेंगे। और वैसे ही बात करें अगर हम 43 और 53 कहाँ की करना चाहिए यूज़, ब्रिक वर्क हो गया वहाँ आप 43 यूज़ कर सकते हो, 53 आपको वहाँ यूज़ करना है जहाँ हमारी स्लैब्स हो गई, बीम हो गई, जहाँ हैवी लोड आने वाला हो वहाँ पे करना होता है। और 43, 33, 53 ये क्या है, एक ये उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है सीमेंट की जो टेस्ट के दौरान की जाती है। जैसे हमने ऊपर आपको क्यूब की बात की, इसी में भी ऐसे ही किया जाता है। क्या किया जाता है, सैंड, सीमेंट और वाटर के क्यूब्स बनाए जाते हैं, 100 क्यूब्स बनाए जाते हैं जिनका टेस्ट किया जाता है 3, 7 और 28 दिन पे। तो उनकी जो स्ट्रेंथ आती है उसी बेसिस पे जो हमारी सीमेंट की स्ट्रेंथ रहती है, 43, 43 और 53 ग्रेड का सीमेंट बेसिकली आता है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स शैल नॉट रन इन कॉलम। कोई भी कॉलम है उसमें कभी भी जो बिजली की तारें, मतलब जो पाइप रहती है बिजली की तार के लिए, जैसे हम स्लैब में आपने देखा होगा वाइट वाइट तारें रहती हैं पूरी स्लैब में दौड़ती हैं, वो कभी भी कॉलम के बीच आपको नहीं रखनी है। ये काफ़ी साइड्स पे देखा जाता है कि ये गलती की जाती है कि क्या किया जाता है, कॉलम जो होता है या शेयर वॉल जो होती है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स डाल देते हैं। वो ख़राब प्रैक्टिस है, वो कभी भी नहीं करनी चाहिए। अर्थवर्क एक्सकवेशन फॉर बेसमेंट अबव 3 मीटर शुड बी स्टेप्ड फॉर्म। अगर 3 मीटर से ज़्यादा फुटिंग की एक्सकवेशन हुई, जहाँ टैंक हुआ, जहाँ जो भी एक्सकवेशन कर रहे हो आप किसी चीज़ की, 3 मीटर से ज़्यादा हुई तो उसके बाद आपको उसमें स्टेप रखने पड़ते हैं। मतलब ऐसे कि एकदम से वर्टिकल चीज़ रहेगी, अगर वर्टिकल मिट्टी रहेगी उसके 3 मीटर के बाद गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि वो स्टेप्ड हो। आगे बढ़ते हैं, एनी बैक फिलिंग शैल बी कम्पैक्टिंग 99% ऑफ ड्राई डेंसिटी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। जो हम टेस्ट करते हैं, सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट हो गया, तो उसमें हम चेक करते हैं कि उसकी जो सॉइल आपने फिलिंग की है, जहाँ जो सॉइल वहाँ अवेलेबल है जहाँ आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हो, उसकी कंपैक्शन प्रॉपर वे से है कि नहीं है। तो वो कैसे चेक की जाती है, सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट से। तो वो कितनी होनी चाहिए, 95% ऑफ ड्राई डेंसिटी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जब भी देखो कोई भी फुटिंग खोदी, उसके बाद उसकी फुटिंग हो गई, कॉलम हो गए, तो उसको फिलिंग किया जाता है, मतलब उसमें मिट्टी डाली जाती है। तो उस दौरान आपको जो लेयर डाली है 200 mm की लेयर डाल के उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट कर लेना है, फ्लडिंग कर लेनी है, फिर 200 की लेयर आपको डाल के उसको अच्छे से प्रॉपर करना होता है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और अगर बड़ा एरिया है, 12 मीटर 13 मीटर 14 मीटर एरिया है, तो उसमें 300 mm की लेयर आप डाल सकते हो, ये चीज़ भी ध्यान देनी है। आगे बढ़ते हैं, ऐप सोलिंग। सोलिंग क्या हो गया, मतलब आपने सुना ही होगा रबल सोलिंग आपने, क्योंकि जो रोड होते हैं जहाँ कुछ कॉम्पैक्टेड चीज़ बनने वाली है, हैवी चीज़ आने वाली है, वहाँ रबल सोलिंग भी की जाती है। तो रबल सोलिंग के दौरान क्या करना है आपको, जो भी पत्थर वहाँ रखते हैं, मतलब जो क्योंकि रबल सोलिंग है तो रबल मतलब पत्थर हो गया, पत्थर लगाना है वो कभी भी 90 डिग्री नहीं लगाना है। मैंने काफ़ी जगह देखा है कि वो सीधे सीधे पत्थर रखते हैं, उसके बाद उसमें मोरन डाल देते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है 45 to 60 डिग्री पे एंगल पे वो पत्थर होना चाहिए, उसके बाद उस पर मोरन या सैंड की फिलिंग आपको करनी है। देखो यहाँ क्या होता है, ये देखो वाई रिप्रेजेंट टॉर्सटी, ठीक है, ग्रेड FE 450 of S 1786 विद करेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ 415 newton per mm minimum, ठीक है। तो क्या है, जो भी जैसे ग्रेड FE 415 है, ये उसकी आगे यील्ड स्ट्रेंथ, 415 क्या हो गई, यील्ड स्ट्रेंथ, और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है वो होती है 450। तो मतलब यही कहते हैं कि IS 1786 के अकॉर्डिंग इसकी जो मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 415 होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 5% माइल्ड स्टील ग्रेड 1 of part 1, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, जो बाइंडिंग वायर आपको यूज़ करनी है, जो भी मतलब जब स्टील को बाइंड किया जाता है, स्लैब हो गई, कॉलम हो गई, उसमें बाइंडिंग वायर हम यूज़ करते हैं, तो अच्छी बाइंडिंग वायर 16 गॉज की, जो सॉफ्ट अनील स्टील वायर फ्री फ्रॉम रस्ट एंड अदर कंटेनमेंट्स। क्या होता है, कई कंपनी क्या करती हैं, उसमें इम्प्योरिटीज़ के कारण क्या होता है, एक गॉज मोटा हो जाता है, ऐसे भी मोटा बनाया जाता है,
तो उससे जो बांधने में वर्कर को तकलीफ भी होती है, तो हमेशा आपको 16 से 18 गॉज की बाइंडिंग वायर ही अपनी साइड पे यूज़ करनी है। ये हो गए, तो ये बेसिक क्वेश्चन थे, ये हर सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए। एग्जीक्यूशन स्किल्स थी, प्रैक्टिकल चीज़ें थी जो मैंने आज आपको बताई। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है, क्वेरी रहती है, आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक यू गाइज, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प करो। थैंक यू गाइज, क्योंकि आपको इसमें से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और जॉब्स के लिंक तो आपको आने ही आने हैं। थैंक यू गाइज़।